गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा एसएसटी का जो चैप्टर चल रहे थे निर्धनता वाले, आज हम उस लेसन को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक था गरीबी निवारण की योजनाएं उसे करेंगे। इसके अलावा ये जो वीडियो है वो 9th और 10th दोनों ही एसएसटी के कॉमन टॉपिक्स हैं। ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो उतना ही आपको करवाया जाएगा जितना हमारी क्लास के लिए सफिशेंट है। तो इससे पहले हमने गरीबी के कुछ उपाय भी पढ़े थे और मैंने आपसे कहा था कि सरकार ने भी कुछ योजनाएं चलाई हैं। जैसे ये देखिए कि निर्धनता निवारण की जो नीतियां मैंने आपको बताई थी, वो मैंने आपको चार बताई थी, ये जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही हैं। इसमें से हम एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एक्स्ट्रा योजनाएँ भी मैंने आपको बता रखी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जिस पर हमारे निबंधात्मक क्वेश्चन आ चुका है 4 या 6 नंबर का, वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। मैंने आपसे कहा था कि इसके बारे में हमारा अलग से पूरा टॉपिक है। तो सबसे पहले तो देखिए कि ये जो अधिनियम है ये बना था 2005 में, जिसे कहा जाता है नरेगा, और इसका फुल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है। कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसलिए हम इसको नरेगा बोल सकते हैं और मनरेगा भी बोल सकते हैं। तो बात करते हैं इसके परिचय की कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की अधिसूचना के आधार पर 7 सितंबर 2005 को जारी किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य यानी कि जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं, यदि अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं, उनको 1 साल में कम से कम 100 दिन का रोज़गार गारंटी के साथ दिया जाएगा। कुल मिलाकर के हमारे देश में जो न्यूनतम से भी न्यूनतम गरीबी रेखा में आते हैं, उनमें जिन व्यक्तियों को कुछ भी काम या प्रशिक्षण उन्होंने नहीं लिया है, उन्हें वर्ष में यानी कि 365 दिन में से 100 दिन का रोज़गार सरकार गारंटी के साथ देगी। ठीक है, तो हो सकता है उससे गरीबी में काफ़ी कमी आए। अब इस योजना के जो लक्ष्य रखे गए हैं वो देखते हैं। पहला पॉइंट है कि रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवा करके ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक लाभ वंचित लोगों के लिए यह एक सामाजिक सुरक्षा है। सामाजिक सुरक्षा क्यों है? क्योंकि जिन लोगों के पास कुछ काम नहीं है, सरकार यदि उन्हें रोज़गार देती है तो उनके घर में जो आर्थिक सिक्योरिटी है वो रहेगी। अगला इसका लक्ष्य रखा गया कि टिकाऊ रूप की परिसंपत्तियों के सृजन, उन्नत जल सुरक्षा, मृदा संरक्षण, उच्च भूमि उत्पादकता के जरिए निर्धनों के लिए आजीविका की सुरक्षा की जाएगी। यहाँ पर जितने भी नाम आए हैं इन सब का मतलब ये है कि मान लीजिए सरकार को किसी झील की खुदाई करवानी है, वहाँ के लिए श्रमिक चाहिए, तो ऐसे श्रमिकों को उस जगह पर काम पर लगा दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत बड़ी जो योजनाएँ चल रही है वहाँ पर श्रमिक चाहिए काम करने के लिए, तो ये सारी जो योजनाएं हैं नरेगा के अंतर्गत रख करके और फिर ऐसे श्रमिकों को 100 दिन का रोज़गार दिया जाएगा। उसके बाद अगला लक्ष्य इसका का रखा गया कि ग्रामीण भारत में सूखा रोधन और बाढ़ नियंत्रण के उपाय भी इस योजना के अंतर्गत किए जाएंगे। अगला जो इसका लक्ष्य है फोर्थ, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यह अधिकार आधारित कानूनी प्रक्रिया के जरिए सामाजिक रूप से लाभान्वित विशेषकर की महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अधिकार संपन्न बनाना है। अधिकार संपन्न बनाने का मतलब कि हर व्यक्ति का अधिकार होता है काम करना और उसके जरिए नौकरी करना और पैसे कमाना, तो जो गरीब हैं उन्हें ये अधिकार दिए जाएंगे कि वह स्वयं काम करके अपने आय अर्जित कर सकें। उसके बाद अगला लक्ष्य है इसका पाँचवा, ये विभिन्न गरीबी उपशमन यानी कि नियंत्रण और आजीविका संबंधी पहलों में तालमेल किया जाएगा। मतलब गरीबी और उसमें रोज़गार दे करके सरकार क्या करेगी, आजीविका उपलब्ध करवाने का काम करेगी, ताकि हमारे देश में जो निर्धन वर्ग है उनकी भी भागीदारी बनी रहे। छठा इसका लक्ष्य रखा गया है
कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करके जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र है उसे मजबूत किया जाएगा, यानी कि समाज में गांव, कस्बे, छोटे छोटे शहर, गलियां, इन सब जगह पर सरकार जो योजनाएं बनाती है उन सब का लाभ उन्हें भी दिया जाएगा। आखिरी और छठा इसका जो सातवां लक्ष्य है वो ये है कि शासन में बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही को लाना इसका उद्देश्य है। मतलब सरकार जो योजनाएं बनाती है उन सभी योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक स्तर, वर्ग, भाषा, क्षेत्र सभी पर होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इस योजना के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मतलब ये योजना कैसे चली, कहां कहां तक इसने विस्तार किया। तो देखिए, ये अधिनियम 2 फरवरी 2006 से पहले चरण में 200 जिलों को अधिसूचित किया गया था, यानी कि 2006 तक इसमें जो 200 निर्धनतम जिले हैं उन्हें लाने की बात कही गई थी कि इन जिलों में ये योजना चलाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद 2007-08 से इसमें 130 जिले और ऐड किए गए जो गरीबी में आते हैं, तो कुल मिलाकर के केवल उन्हीं जिलों को छोड़ दिया गया है जहां पर 100% शहरी आबादी है। उनके अलावा ये सभी जिलों में यह योजना गरीबी को दूर करने के काम कर रही है। अब हम बात करते हैं निर्धनता निवारण की अगली योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये छोटी सी योजना है, हालांकि लगभग पिछले 30 सालों से यह योजना चलती आ रही है और हमारे देश में समय समय पर इसे नवीनीकृत किया जाता रहा है। 1998 में भी यह योजना शुरू की गई थी, उसके बाद 2015-16 और उसके बाद 19-20 में भी इसे नवीनीकृत किया गया। तो यह योजना क्या है? यह केंद्र सरकार की स्वरोजगार योजना है। इसके तहत उद्योग लगाने पर 25 लाख और सेवा क्षेत्र में निवेश करने पर 10 लाख रुपए का लोन सरकार की तरफ से दिया जाएगा। मान लीजिए कि हम अपना एक उद्योग शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, और हमारे पास केवल 25 लाख रुपए हैं या इससे कम हैं, और वो उद्योग हम विनिर्माण क्षेत्र यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था का जो दूसरा क्षेत्र है विनिर्माण क्षेत्र उसके आधार पर लगाना चाहते हैं, या फिर हम 10 लाख रुपए का निवेश करना चाहते हैं सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में निवेश करने का मतलब सड़क, बिजली, परिवहन, बैंकिंग, चिकित्सक, शिक्षा, इन क्षेत्रों में अपने अपने पैसे लगा करके कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो इन दोनों ही के लिए सरकार की तरफ से 25 लाख और 10 लाख रुपए का कर्ज दिया जाएगा। अगर हम विनिर्माण क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में उद्योग लगाते हैं या निवेश करते हैं तब। इसके अलावा यदि हम ग्रामीण इलाके में उद्योग लगाते हैं गांव के क्षेत्र में, तो सरकार जो हमें कर्ज दे रही है, सब्सिडी दे रही है, उसकी रकम बढ़ा करके सरकार 25 से 35% तक और कर सकती है। इससे गरीबी निवारण में क्या सहायता मिल रही है कि एक तो जिसके पास पैसे कम हैं वो भी ये सोच पा रहा है कि हम अपना उद्योग खोल सकते हैं, सरकार ऋण देगी आपको, वो भी बहुत कम ब्याज दर पर। दूसरा, जब आप उद्योग धंधे स्थापित करते हैं तो साथ में आप दूसरों को भी रोज़गार दे रहे हैं, जिससे हमारे देश में क्या हो रहा है, रोज़गार सृजन हो रहा है और गरीबी कम हो रही है। इसके बाद हमारी एक और अगली इम्पोर्टेंट योजना है एकीकृत ग्रामीण विकास योजना। इसका एग्ज़ाम में ज़्यादातर शॉर्ट में नेम आता है कि IRDP को समझाइए। ये योजना क्या है? देखिए कि हमारे देश में जो 70% तक मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर गांव में निवास करती है, ज़्यादातर 60 से 70% तक। तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समय समय पर बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, वो आवश्यकताएं इतनी आसानी से पूरी नहीं हो पाती क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आधारिक संरचना यानी कि सड़क, बिजली, पानी, परिवहन, इनका अभाव होता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, मजबूरी में अपने गांव छोड़ करके शहरों की तरफ जाते हैं और वहां पर रोज़गार ढूंढते हैं। इसीलिए इस योजना के कई सारे उद्देश्य रखे गए हैं, ताकि शहर, एक तो शहरों में जो ग्रामीण लोग पलायन कर रहे हैं उसे रोका जा सके, ठीक है, और पलायन क्यों कर रहे हैं, गरीबी के कारण, तो गरीबी कम की जा सके। तो इस योजना का जो पहला उद्देश्य रखा गया वो क्या था,
कि ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर को सुधारा जाए, उनका रहन सहन, उनको जो फैसिलिटी दी जानी है वो सरकार मुहैया करवाए। दूसरा, स्वरोजगार के लिए प्रेरित की जाए। स्वरोजगार के लिए प्रेरित का मतलब, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली योजना में बताया था कि सरकार कर्ज देगी तो हम अपने उद्योग धंधे स्थापित कर सकते हैं, तो हम साथ में क्या कर रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं और दूसरों को भी रोज़गार दे रहे हैं। फिर हम ये पढ़ चुके हैं कि इसका तीसरा उद्देश्य ग्रामीणों का शहरों की तरफ पलायन यानी कि उन्हें जाने से रोकना, क्योंकि यदि ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या कम होती है तो वहाँ पर भी विकास नहीं हो पाएगा और उसका जो बोझ है वो शहरी क्षेत्रों में पड़ेगा। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, उन्हें पैसे की पूर्ति करवाना, कृषि पर से जो बोझ है उसे कम करना, संसाधनों की पूर्ति करना आदि इसके लक्ष्य रखे गए हैं। अब हम बात करते हैं स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम की। यह भी निर्धनता निवारण और बेरोजगारी निवारण का एक योजना है जिसे सरकार ने शुरू किया था 1 अप्रैल 1999 में। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रह रहे हैं उन्हें रोज़गार देना, उन्हें सक्षम बनाना और समृद्धिपूर्ण बनाना, ठीक है, और साथ में जो गरीबी रेखा से नीचे लोग रह रहे हैं उन्हें अच्छा प्रशिक्षण देना। अब ये प्रशिक्षण किस चीज़ का दिया जाएगा, किसी भी ऐसे कार्य का प्रशिक्षण जिसे पकड़ करके वो आगे अपना रोज़गार बना सकें, ठीक है। साथ में आमदनी बढ़ाने के तरीके बताए जाएंगे कि किस तरीके से व्यवसाय किया जाता है, पैसा कैसे कमाया जाता है ताकि ये लोग अपने आप को मजबूत बना सकें और इनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। साथ ही ये सारे काम करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रह रहे हैं उन्हें कम ब्याज दर पर बैंकों से लोन दिया जाएगा और आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे क्या होगा, गरीबी कम होगी और बेरोजगारी में भी कमी आएगी। अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट मनरेगा के बाद जो टॉपिक है वो यह है काम के बदले अनाज कार्यक्रम। तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, काम के बदले अनाज। देखिए, ये कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र के उन गरीबों के लिए लागू किया गया है जो कि अकुशल श्रमिक या काम करना चाहते हैं। अकुशल श्रमिक का मतलब जिन्हें किसी भी प्रकार का काम नहीं आता, ना ही उनके पास कोई डिग्री है, ना वो पढ़े लिखे हैं और ना ही उन्होंने किसी कार्य में प्रशिक्षण लिया हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए ये योजना है, अकुशल श्रमिकों के लिए जो काम करना चाहते हैं। साथ ही ये काम के बदले अनाज कार्यक्रम को 150 पिछड़े जिलों में पूरक मजदूरी रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से 14 नवंबर 2004 को लागू किया गया था और बाद में इस योजना को मनरेगा योजना के साथ मिला दिया गया, ठीक है। यह 100% केंद्रीय सरकार के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है जो क्या करेगा कि राज्यों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध करवाने का प्रावधान करेगा। हालांकि ये जो कार्यक्रम है वो 1970 के दशक में चलाया गया था। सरकार इसमें क्या करेगी कि न्यूनतम मजदूरी दर के साथ साथ अनाज प्रदान करने का कार्य भी करेगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाद्य सुरक्षा है वो भी बनी रहे, ठीक है। हमारा जो निर्धनता का टॉपिक है इसके साथ खत्म होता है। इसके बाद हम इसी चैप्टर के अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।